नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में केबल कार चलाने की तैयारी जोरों पर है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि 3 साल में इंदौर के लोग केबल कार का लुत्फ उठा सकें। इसे लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बेकपास कंपनी को केबल कार प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। कंपनी ने प्रारंभिक सर्वे का रिपोर्ट इंदौर विकास प्राधिकरण को सौंप दिया। अब जल्द ही जनप्रतिनिधियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उनकी सहमति के बाद रूट फाइनल किए जाएंगे। इसके बाद DPR बनाई जाएगी। केबल कार की तैयारियों को लेकर IDA के CEO रामप्रसाद अहिरवार ने बताया कि केबल कार शहर की आवश्यकता और डिमांड है, क्योंकि शहर में लगातार ट्रैफिक का भार बढ़ रहा है। IDA ने इसके रूट और फिजिबिलिटी सर्वे के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है। 60 किलोमीटर के 7 रूट पर 41 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। अब जल्द ही प्रस्तुतिकरण जनप्रतिनिधियों के समक्ष होगा। सहमति के आधार पर रूट तय किए जाएंगे। रामप्रसाद अहिरवार ने कहा कि अब 2 रूट चयनित करके रूट सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से केबल कार शहर की आवश्यकता है, डिमांड है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है और कंजेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने फिजिबिलिटी सर्वे का टेंडर किया है और वो वेबकॉस जो कंपनी है उसके माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। प्रथम जो उन्होंने एक प्राइमरी रिपोर्ट दी है उसमें कुछ 7 रूट चिन्हित किए हैं, और जैसे ही उनका जो वर्किंग अभी जो ट्रैफिक कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इस रिपोर्ट को रखा गया था, तो 2 रूट पर डिटेल वर्किंग करने के लिए कहा गया है। तो 2 रूट पर डिटेल वर्किंग हो रही है और बहुत जल्दी इसकी डिटेल रिपोर्ट आएगी, तो इसको सभी के समक्ष रख करके और सुझाव लिए जाएंगे और इसको सरकार को प्रेषित किया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।